मेंस आम पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कच्चे आमों का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं इसे छील लेती हूँ, क्योंकि इसके छिलके का मैं बनाने वाली हूँ चटनी, इसीलिए मैं छिलका छील ले रही हूँ। आप इसे ऐसे भी उबाल सकते हैं, मुझे चटनी बनाना था छिलके का तो इसे छील ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, छिलकों को रख देते हैं साइड में और आम को चलिए सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आम को रख दिया है पकने के लिए। तकरीबन आधा लीटर इसके अंदर पानी डाला है। इसे तब तक पकाना है जब तक इसका गूदा अलग ना होने लगे। फ्रेंड्स, ये जब तक पक रहा है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और नमक डालेंगे एक चम्मच और भुना हुआ जीरा डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से पके, फ्लेवरफुल हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आम पक गए हैं। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, आम को ठंडा होने देते हैं, अभी बहुत गर्म है। देखिए फ्रेंड्स, आम ठंडे हो गए हैं तो मैं इसका गूदा निकाल ले रही हूँ इस तरह से चाकू से। तो ये बहुत इजीली निकल जाता है क्योंकि ये पक गया अच्छे से। हमें इसका गूदा चाहिए, लेकिन ये जो इसका अंदर का है, क्या बोलते है, कोसली, इसे हम फेंकेंगे नहीं। ये भी बहुत चटकारा है, इसे हम बाद में खाएंगे आराम से दाल में डाल के। पर ये अभी से मांग लिए, ये बहुत फ्लेवर दाल में बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे घर में इसे दाल में बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए बनाने जा रही हूँ, तो मैंने आम का छिलका ले लिया, अदरक ले लिया, पुदीना के पत्ते, नमक है, लहसुन और मिर्च है। आप यहाँ पे धनिया भी ऐड कर सकते हैं। पीस लेते हैं, फटाफट चटनी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आम को पीस लेते हैं। तो इसे मेन पीस लेते हैं। इसमें हमने उबालते समय यूज किया था, तो उसे डाल के पीसते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आम हमारा पिसा गया है, तो इसे मैं उठा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम हरी चटनी बना लेते हैं। ये और ये हमारा आम का छिलका और नमक। तो नमक फ्रेंड्स स्वाद अनुसार डालना है। अब इसे मेन पीस लेते हैं। हमारी रेडी हो गई है, इसे मैं उठा लेती हूँ। ये देखिए हरी हरी चटनी, आम पन्ना बनने ही वाला है। चटनी इज रेडी फ्रेंड्स। ये जो हमारा आम है, इसे मैं कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में, यानी कि बड़े बर्तन में, और इसमें हम डालेंगे पानी। इसमें जाएगा एक कप चीनी। तो चीनी को अच्छे से इसके अंदर मेल्ट कर लेना है। That's it. इसे थोड़ा पिघलने देते हैं हम और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने हरी चटनी बनाई थी, इसे डाल देंगे थोड़ी सी अभी, और इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। यहाँ पे मैंने ग्लास रेडी कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्लास रेडी कर लिया था और इसमें मैं डालूंगी बर्फ। तो मैंने यहाँ पे आइस डाल दी थी। तो अब हमें डालना है ये हमारा आम पन्ना।